पठानकोट हमले पर बोले नवाज शरीफ, भारत ने दिए नए सबूत। शरीफ ने कहा, पठानकोट हमले पर भारत से नए सबूत मिले हैं और इनकी जांच की जाएगी। हम इसे छुपा सकते थे या भूल सकते थे, लेकिन हमने कहा है कि हमें सबूत मिले हैं, इन पर कार्रवाई होगी। गिरफ्तार हुए संदिग्ध पर खुलासा, बगदादी से सीधे टच में था रिजवान। कुशीनगर से गिरफ्तार हुआ रिजवान आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी से सीधे टच में था। वहीं रिजवान की फैमिली ने कहा है कि इसे गोली मार देनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव बोले, कार सेवकों पर फायरिंग करवाने का हुआ दुख। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अयोध्या में बाबरी विध्वंस को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का दुख है, लेकिन धर्मस्थल को बचाना भी बहुत जरूरी था। 5 राज्यों में 2000 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली सहित 5 राज्यों में करीब 2000 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये लोग सब्जी बेचने के नाम पर एक महीने में 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके थे। इयान चैपल ने कहा, इंडिया को नहीं है धोनी की जरूरत, विराट को बनाओ कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जरूरत से ज्यादा समय गुजार चुके हैं। धोनी के रहने से भारतीय टीम को नुकसान हो रहा है। फिर साथ दिखे सलमान और कैटरीना। बिग बॉस 9 के फाइनल शो में कैटरीना कैफ अपने आने वाली फिल्म फितूर का प्रमोशन करने पहुंची। इस दौरान सलमान ने कैटरीना कैफ का स्वागत करते हुए उन्हें सबसे मजबूत महिलाओं में से एक बताया। अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।